हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी उन बच्चे व्यूअर्स के लिए है जो कि 12 से 13 साल के हैं। उनकी भारी रिक्वेस्ट पे मैं आज लेके आई हूँ ब्रेड केक, जो कि नो फायर होगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। जब तक हम केक बना रहे हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ विदाउट फायर केक, वो भी ब्रेड से। तो मैंने ये 4 स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं। मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है। सबसे पहले काट लेंगे इसके किनारों को। ये सारी रेसिपी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं आंटी विदाउट फायर रेसिपी, तो ये आपके लिए है। आप ये केक को जरूर बनाना, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इसके चारों तरफ से अच्छे से निकाल दिया इसके कोनों को काट के। इससे पहले हम अपना क्रीम बना के रेडी कर लेते हैं। तो अभी इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो केक की टॉपिंग बनाने के लिए मैंने ये ले लिया है 1 कप क्रीम। ये व्हिप क्रीम है। तो ये देखिए, आप सब पूछते हैं कि आप क्रीम की रेसिपी बताइए। तो ये देखिए, मैं ये वाला रिच ब्रांड का यूज करती हूँ। 250 का 1 kg आ जाता है। इसमें आप बहुत टाइम तक केक बना सकते हो। अभी इसमें आप देखोगे कि ये बॉल भर के क्रीम बन जाएगी। व्हिप करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक वीटर यूज कर रही हूँ। आप इसको हैंड वीटर से भी कर सकते हो, बट बहुत टाइम लगता है, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आप हैंड वीटर से भी इसको कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप, 3 से 4 मिनट में ही हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छे से हो गया है ये। तो ये मैंने शुगर सिरप बना के रेडी कर लिया है। मैंने 1 घंटे पहले ही चीनी को पानी में भिगा के रख दिया था। तो ये देखिए, ये पिघल चुकी है चीनी। इस तरह का प्लेट ले लीजिए और इस पे थोड़ा सा ये जो मैंने क्रीम को व्हिप करके रखा, इसको नीचे लगा दीजिए, जिससे हम इस पे ब्रेड रखें तो ये खिसके ना। तो ये लगा देंगे हम। हमें ब्रेड को मॉइस्ट करने के लिए, इसको सॉफ्ट करने के लिए हम ये जो शुगर सिरप है को चारों तरफ से अच्छे से लगाएंगे, जिससे हमारा ब्रेड जो है एकदम मॉइस्ट हो जाए। अब इसके ऊपर से जो मैंने क्रीम व्हिप करके रखा, ये लगा देंगे। अच्छे से लेयर बना देंगे हम क्रीम के इसके ब्रेड के ऊपर। आप चम्मच की मदद से या फिर चाकू की मदद से आप इसको फैला लीजिए। इसके ऊपर हम दूसरा ब्रेड रख लेंगे और सेम उसी तरह हम इस पे भी शुगर सिरप लगा लेंगे। शुगर सिरप हमें अच्छे से लगाना है, जिससे हमारा ब्रेड जो है वो हार्ड ना रहे, सॉफ्ट बने। तो बस फिर उसी तरह हम इस पे ऊपर से भी क्रीम लगा लेंगे। तो बस इसके ऊपर से हम एक और ब्रेड रख लेंगे और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगा लेंगे। अब इसके ऊपर से भी क्रीम फिर से लगा लेंगे हम। हमें बहुत ज़्यादा इसको स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर से तो ब्रेड ही आएगा। तो अभी लास्ट ब्रेड लगा लेंगे और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगा लेंगे अच्छी तरह से। आप शुगर सिरप इसमें अच्छे से लगाना, नहीं तो ब्रेड जो है वो नीचे से हार्ड रहेगी, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए अभी हम ब्रेड के ऊपर से क्रीम लगा के इसको कवर कर लेते हैं। आपको चाहिए तो आप इस पे चॉकलेट भी लगा सकते हैं ऊपर से, या फिर क्रीम से, जो आपको पसंद है उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो क्रीम बच गई थी उसको मैं अभी साइड से लगा दे रही हूँ। क्रीम को चारों तरफ से लगा दिया। अभी आप इसको चाकू की मदद से या फिर किसी चीज से आप इसको ऐसे प्लेन कर लीजिए। तो ये देखिए, ये ऊपर से भी हो गया। अभी इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, फिर इसको निकाल के हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे, क्योंकि ये तब तक थोड़ा सेट हो जाएगा। हमने केक को फ्रिज से निकाल लिया है, 2 घंटे हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम बनाने जा रहे हैं केक पेस्ट्री। तो इसको हम 2 पार्ट में काट लेंगे। ये देख सकते हैं, आगे से देखिए, बहुत ही स्मूथ है। अब इसको आप अपने हिसाब की टॉपिंग से डेकोरेट कर लीजिए, जो आपके पास है उसे डेकोरेट कर लीजिए। तो मैंने, मेरे पास ये थोड़ा सा चॉकलेट पड़ा है, मैं इसके ऊपर चॉकलेट लगा दे रही हूँ। ये मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, तो इसको लगा दे रही हूँ। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, केक हमारा बिल्कुल रेडी है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, चॉकलेट बस इससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो अगर आपके पास है तो ऐसे चॉकलेट इसके ऊपर से लगा दीजिए। तो है ना, ये बनाना बहुत आसान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना, जिससे वो लोग भी बनाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।